नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता किरण मोरे की। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रभु। लोग कहते हैं कि आप सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन नहीं हैं, आप डिक्टेटर हैं। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि हमारे जो पांच सिलेक्टर्स हैं, हम लोग पांच जन मिलके काम करते हैं, प्लस कैप्टन होता है, कोच भी होता है। तो हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस करने के बाद, जो पांच सिलेक्शन कमेटी होती है, वो सारे डिस्कशन करने के बाद वो टीम सिलेक्शन होती है। मेरे अकेले का डिसीजन नहीं होता है उसमें, क्योंकि आप ग्रेट चिप्पल से अच्छी बनती है आपकी, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपके बिंगड़पुर साहब से भी अच्छी है, पवार साहब भी आपके महाराष्ट्रीयन हैं, नहीं तो एक किस्म से आपका पूरा कंट्रोल है। नहीं, सब गलत बात है। तो लोगों की बात कहना है जो स्टाइल है, पर हमारा जो काम है, पांच जन है, पांच सिलेक्टर्स, आई टू रिस्पेक्ट ऑल द सिलेक्टर्स जो है हमारे साथ। तो वो सब जो मिलके काम करते हैं, हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी देखते हैं, तो रणजी ट्रॉफी मैचेस, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी मैचेस देखते हैं, और सब मिलके जो डिसीजन आता है, सब मिलके डिसीजन लेते हैं। एक सिंगल हैंडेड डिसीजन नहीं होता है। इसमें भी कई बार आपने सुना होगा, वोटिंग भी होती हुई है पास में वोटिंग, बट काफ़ी कल्चर चेंज कर दिया है हमने, क्योंकि दे आर नाइस गुड बंच ऑफ सिलेक्टर्स वी हैव। सो काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई है, और कैप्टन एंड कोच दोनों मिलके भी, उनका भी सजेशन काफ़ी अच्छा लेके हम लोग टीम सिलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि इसलिए कह रहे हैं लोग कि आप डिक्टेटर हैं, क्योंकि जगमोहन डालमिया जब प्रेसिडेंट थे तब आप सिलेक्टर कमेटी के चेयरमैन बने, शरद पवार बन गए तब भी आप रह गए, तो कोई ना कोई आप में खूबी है ना। नहीं प्रभु जी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी क्रिकेट काफ़ी खेली है, आई प्लेड गुड इनफ क्रिकेट एंड इंडियाज वाइस कैप्टन, काफ़ी कुछ क्रिकेट देखा हुआ है। और एक नई जो बात है, जो सिलेक्शन कमेटी की, तो इजी जॉब नहीं है, हमेशा यू हैव टेक सम टफ डिसीजंस, तो हमने टफ डिसीजन लिए हैं, तो लोग कई लोगों को अच्छा बुरा लगा हुआ है, पर आई थिंक वी हैव प्लेड अवर पार्ट, एंड जो हमने जो हमारा जो चैलेंज था, हमारा जो चेंजेस करने का वो हमारा प्लानिंग था, जो कि हमने जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जूनियर क्रिकेटर्स काफ़ी देखे हैं, जो अच्छे कर रहे थे, इंडिया अंडर 19 के लिए अच्छे कर रहे थे, तो उनको हमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया और एक अच्छा टीम बनाया है हमने। आपने कह रहे थे टफ डिसीजन आपने लिए, कि आप सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चेयरमैन रहे अभी पिछले दो सालों के अंदर, आप ज्यादा इस टफ डिसीजन की वजह से रहे, आपको लगता है? नहीं, एक सब पूरे कमेटी का डिसीजन होता है, तो हम लोग कमेटी मिलकर डिसीजन लेता है, तो क्या होता है, चेयरमैन होता है तो हमेशा चेयरमैन का डंडा ज्यादा पड़ता है। टफ डिसीजन आपने लिए, ऐसा कौन सा टफ डिसीजन लगता है आपने लिया? नहीं, हमेशा कोई भी चेयरमैन, एज कमेटी मेंबर, कोई भी और एज कमेटी टोटल मिलके, कोई भी अच्छा एक प्लेयर होता है हमेशा, इफ समबडी नॉट डूइंग वेल, और जो यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, क्योंकि कई बार अपने लोग इंडिया में काफी इमोशनल होते हैं, तो जब एक सुपरस्टार होता है, किसी को कोई भी प्लेयर होता है, तो उसमें अगर अच्छा नहीं खेलता, अच्छा नहीं खेलता है, तो उसको ड्रॉप किया, किसी यंगस्टर्स को चांस दिया, अभी यंगस्टर डजंट डू वेल, तो हम लोग भी एक गैम्बल करते हैं, क्योंकि हम एक प्लेयर है, उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया डोमेस्टिक में, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, तो उसको चांस देने के बाद कभी क्लिक हो जाता है, कभी क्लिक नहीं होता है। सो वी आर ऑल्सो टेकिंग चांसेस, हमने 10 प्लेयर को खिलाया, उसमें से इफ दिस वी गेट 5 to 6 प्लेयर्स अच्छे मिले हमको, तो हमको अच्छा लगता है कि हमको भी प्रेशर में होता है कि हम लोग एक यंगस्टर को चांस दे रहे हैं, हु इज डूइंग सो वेल, तो और एक सीनियर प्लेयर को निकालने का टाइम, ये प्रेशर हमको भी होता है, क्योंकि कैसा करेगा परफॉर्मेंस, तो वो जब क्लिक होता है तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं होता है तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द। पिछले दो साल में लगता है आप गैम्बल ज्यादा कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट ज्यादा कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करना होता है टीम बनाने के लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, बच्चों के लिए जो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, जैसे कि हमने जो कई क्रिकेटर्स अभी जो ट्राई किए, हमने जब भी इरफान पठान आए, जब भी MS धोनी आए, सुरेश रैना है, पीयूष चावला है, काफ़ी कुछ यंगस्टर्स क्रिकेटर, RP सिंह है, वेणुगोपाल राव, काफ़ी कुछ क्रिकेटर्स आए, तो उन्होंने हमने जो एक्सपेरिमेंट किया हमने, और युवराज सिंह जो हमने 3-4 साल से उनको हम खिलाते आए हुए हैं, कि कई भी काफ़ी लोग ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया हमको, युवराज सिंह को आप क्यों खिला रहे, बट हमने जो देखा है उनमें टैलेंट है, टैलेंट रिकग्नाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये स्टैटिस्टिक्स नॉट दैट ग्रेट। काफी कुछ लोग स्टैटिस्टिक पे जाते हैं, पर जब एक क्रिकेटर होता है, जो एक हटके क्रिकेटर होता है, उसकी एक पहचान होती है, जो मैच विनर होता है, सो इफ आउट ऑफ 10 मैचेस मेरे को तीन मैच जिताएगा, तो आई विल टेक दैट बैक दैट क्रिकेटर्स, जैसे वैसे ऐसे 10 क्रिकेटर मेरे पास रहेंगे तो मेरी टीम अच्छी रहेगी, क्योंकि एक पर्सन एक ने परफॉर्मेंस नहीं किया, दूसरे दो तो परफॉर्मेंस करेंगे, तो टीम जीतेगी। सो वी लुक एट मोर एज अ टीम, टीम कॉम्बिनेशन। किरण, आप एक वर्ल्ड के उस जमाने में जब आप गए थे, 1986 में आप शायद गए थे ना खेलने के लिए, पहली बार क्रिकेट इंग्लैंड जाकर कहीं सिलेक्शन आपने किया था? 83 में मैं सिलेक्ट हुआ था, 86 में आप इंग्लैंड में गए थे। हाँ जी, तो वहाँ पर उसके बाद लोगों ने, कपिल देव ने कहा था कि वर्ल्ड के बेस्ट विकेट कीपर किरण हो गए हैं, किरमानी के बाद आप बने इतने बड़े बर्ड के, तो अब विकेट कीपर तो पीछे से बॉल कलेक्ट करता है, तो बॉलर को डिसाइड करने में, फील्डिंग डिसाइड करने में उसका काफ़ी रोल होता है,
तो आपने जो सिलेक्टर कमेटी बन गया, आप किरमानी भी चेयरमैन रहे थे कभी मेरे को लगता है, तो आपको लगता है कि विकेट कीपर होते हुए आपको फायदा हुआ इसका कि कैसे सिलेक्शन करना है टीम का, बॉलर्स का? 15-18 साल से क्रिकेट खेले हुए हैं तो पता चलता है, और इतने पास क्रिकेटर्स जो सीनियर क्रिकेटर थे, गावस्कर थे, वेंकट राघवन, कपिल देव, मोहिंदर रमन्ना, दिलीप वेंगसरकर, रवि शास्त्री के साथ क्रिकेट खेले, तो काफ़ी कुछ सीखे, क्योंकि मुझे वेस्ट इंडीज़ टूर गया था 83 में, तो आई थिंक मेरा कैरियर का जो पहला टूर था, जो टफेस्ट टूर था, सामने की टीम में 6 के 7 फास्ट बॉलर, वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर्स, तो काफ़ी कुछ वहाँ सीखने मिला उससे, तो काफ़ी एक कॉन्फिडेंस आया मुझे में, और काफ़ी कुछ विकेट कीपिंग करते हुए देखे भी तो पता चलता है कौन क्रिकेटर कैसा खेलता है, कौन बॉलर कैसी बॉलिंग डालता है, तो एक सिर्फ आइडिया आ जाती है कैसा जब फील्ड सिलेक्ट चाहिए, प्लेयर कैसे आपको चाहिए टीम के लिए, तो पता काफी चलता है विद एक्सपीरियंस। किरण शंकर राव मोरे जैसा विकेट कीपर हिंदुस्तान में दोबारा क्यों नहीं पैदा हुआ अभी तक? सारे विकेट कीपर अच्छे सर, जस्ट इतने सारे मैचेस आ रहे हैं तो कभी एक दो मैच खराब जाते, तो अभी इतना मीडिया प्रेशर आया हुआ है, इतने टीवी पे लोग बातें करते हैं, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी आके काफी कुछ बातें करते, काफी क्रिटिसाइज करते, तो अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि और वो लोग टेक्निकल बातें करें, तो उनको कोई विकेट कीपर गलती करता है, कोई बैट्समैन गलती कर रहा था, दे कैन इम्प्रूव ऑन इट। सो मुझे चाहता हूँ, आई थिंक एम एस धोनी आई रेट हिम वेरी हाई, और अपने पास दिनेश कार्तिक है, पार्थिव पटेल है, एक टाइम था तो बेचारे ड्रॉप ही हो गए, काफी काफी टाइम से अपने विकेट कीपर, अपने जब 83 2003 में हमने टीम सिलेक्ट की थी वर्ल्ड कप की, तभी हमारे पास कोई विकेट कीपर नहीं था, हमने राहुल द्रविड़ को सिलेक्ट किया था, मुझे लोग राहुल द्रविड़ कीपिंग कर लेगा, तो उन्होंने भी द्रविड़ तो कैप्टन बन गया, कैप्टन जो होता है ना काफी कुछ, अच्छा कैप्टन नहीं होता ना, मैंने देखा काफी कुछ करके उस 76 विकेट्स लिए राहुल द्रविड़ ने एज विकेट कीपर, और मैं लगता है कि जो एम एस धोनी है उन्होंने डिफरेंट लेवल पे विकेट कीपिंग ले गए, और उनकी बैटिंग से काफी कुछ ऑलराउंडर की जरूरत है। जैसे मीडिया का प्रेशर बहुत होता है, जैसे आपने एक बार क्या किया था, कैच ड्रॉप कर दी थी, किसकी की थी आपने? ग्राम कुछ की मैंने कैच ड्रॉप, उसके बाद 333 रन बना लिए उसने, सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और आपके सामने की जो क्रिकेट टीम आप सेलेक्ट कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, ये क्रिकेट टीम किस बेसिस पर आप सेलेक्ट करते हैं? हम लोग एक डोमेस्टिक क्रिकेट देखते हैं, काफी कुछ इंडिया अंडर 19 होते हैं, जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होता है वो भी हमको काफी कुछ फीडबैक देता है, काफी कुछ मैचेस देखने पड़ते हैं, तो उसमें जो आपको पता चलता है क्या क्रिकेट चल रही है और हु इज डूइंग वेल डोमेस्टिक, काफी जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स है वो काफी कुछ टूर पे होते हैं, उनको जो डोमेस्टिक क्रिकेट काफी कुछ खेलते नहीं है वो लोग, तो उनको पता चलता नहीं है कौन जूनियर्स परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, तो हमारा काम है जो देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी है, चैलेंजर ट्रॉफी है, वो सब मैचेस देखना, इंडिया ए की टूर होती है, तो इंडिया ए की टूर के भी काफी कुछ लड़के ने परफॉर्मेंस किया, लाइक गिव एग्जांपल एम एस धोनी, जब भी हमने एम एस धोनी को सिलेक्ट किया था केनिया और जिम्बाब्वे टूर के लिए, उन्होंने जाके इतना अच्छा प्रदर्शन किया, वो नंबर 2 विकेट कीपर थे, नंबर 1 बन गए और स्ट्रेट अवे ही केम टू इंडियन टीम। जो इंडिया के लगता नहीं है कि ग्रेग चैपल और आप दोनों मिलकर के पर्टिकुलर लोगों को बाहर निकाल के और दूसरे लोगों को अंदर करना चाहते हैं? काफी कुछ लोगों ने ये स्टोरी बनाई है, ग्रेग चैपल इज अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, ही जस्ट कम्स एंड काफी कुछ आके वो सजेशन देते हैं, सिलेक्शन करना काम है, जो सिलेक्ट करते हैं, जो 5 जन सिग्नेचर करते हैं उस पर, वो है हमारे 5 सिलेक्टर्स, वो काफी कुछ लोगों ने मीडिया बोले ग्रेग चैपल ने ये मांगा, ग्रेग चैपल ने वो मांगा, वैसे सजेशन देते हैं कैप्टन और ग्रेग चैपल, ग्रेग चैपल मिलके दोनों डिक्टेट करते हैं। देखो सर, एक टीम बनाने की होती है, इसलिए रनिंग ए कॉर्पोरेट हाउस, एक टीम बनाने के लिए सारे का कॉम्बिनेशन, आप डायरेक्टर हैं, वो चेयरमैन है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट अ चेयरमैन, आई एम रनिंग द शो देयर एक्चुअली विद द टीम, माय कलीग्स, सो हम जो 5 जन हैं मिलके जो डिसीजन लेते हैं, सो जो मिलके जो काम करना है तभी जो तुमको जो फल मिलते हैं, तो फल मिलने का वो तुरंत नहीं मिलते, कभी कभी टाइम भी लगता है। किरण, आप जानते नहीं कि आपने जिसको एक बार चुन लिया, आपने करोड़पति क्रिकेटर बना दिया, क्योंकि जिसको टीम में आ गया उसको एंडोर्समेंट मिलती है, सब चीज मिलती है, तो किरण मोरे और ग्रेग चैपल दोनों मिलकर कई करोड़पति बनाने की क्षमता रखते हैं, और कैसे आपने करोड़पति को जीरो बना दिया और कैसे जीरो को करोड़पति बना दिया, मैं बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आज हम बातचीत कर रहे हैं किरण मोरे से। किरण, आप बताइए, चार्ज आपके खिलाफ ये भी है, ग्रेग चैपल और आप दोनों मिलकर के जो है एक दूसरे का कमर्शियल इंटरेस्ट देख रहे हैं, आप ऐसे लोगों को उनकी टीम वो भेजते हैं वहाँ पर अपनी अकेडमी में उन लोगों को, इसलिए उनके लोगों को आप सिलेक्ट करते हैं उनके कहने से यहाँ पर? मैं काफी छोटे बच्चों को भेजता हूँ, 10 साल 12 साल 15 साल वालों को, सो आई थिंक इसे खोटी गलत एलिगेशन लगाए हुए हैं, और चैपल तो इंडिया में, मेरी अकेडमी 10 साल पुरानी है, सो माई अकेडमी इज गोइंग ऑन सिंस सो मेनी ईयर्स, इंग्लैंड भी जाती है, मलेशिया ऑल्सो, देखो टू ऑस्ट्रेलिया, ग्रेग चैपल के पास भेजते हैं, उनके कहने से फिर यहाँ टीम सेलेक्ट करते हैं, जो उनको पसंद नहीं है उनको आप ऑब्लाइज करते हैं। सर, मेरी एकेडमी छोटे बच्चे की है, इट्स वेरी स्मॉल किड्स, वी डोंट हैव सीनियर प्लेयर्स देयर, एंड जो इंडियन टीम में आते हैं काफी बड़े लोग होते हैं, सो उसका कुछ कुछ है ही नहीं, इसका कुछ सब गलत गलत बात जो स्टोरी की है लोगों ने,
सवाल ऐसा कुछ ग्रेग चैपल बार बार आ रहा है नाम कंट्रोवर्सी, वो बेचारे वो भी बोलते हैं और आप जो हैं जिस तरह के फैसले आपने कहा ना कि आपको कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, ये सौरव गंगोली के मामले में जो है उसमें आप कहाँ से फंस गए? नहीं मैं कुछ फंसा नहीं हूँ सर। आपने कहा ये चैप्टर क्लोज है, आपने अभी कभी जो देखा कि सौरव गंगोली को रिकंसिडरेशन नहीं करेंगे? सर हमारा जो डिसीजन है सर, टीम जो हमारी टीम है सिलेक्शन कमेटी वो पूरी मिल के डिसीजन लेती है एंड वी हैव डिसाइडेड ऑन सर्टेन इश्यूज दैट जो कौन सा प्लेयर सिलेक्ट करना है क्या है, हमारा काम है टीम सेलेक्ट करने का। वी आर नॉट बायस फॉर एनीबडी, हम लोग किसी के लिए बायस नहीं है, जो टीम परफॉर्मेंस अच्छा करेगा। और कोई हम लोग किसी से आपने बाप को मैंने पहले ही बताया कि ग्रेग चैपल सजेशन देते, राहुल द्रविड़ टीम में आते सजेशन देते एंड वी हैव टू गिव व्हाट द कैप्टन वांट्स, ही इज गोइंग इज अ लीडर, ही इज गोइंग टू लीड द टीम, कैप्टन को क्या चाहिए? सौरव को ड्रॉप करने का फैसला सबका कलेक्टिव हुआ ना फिर? नहीं ऐसी बात नहीं, नॉट सौरव, विद एनी प्लेयर्स वी डिस्कस एनी प्लेयर। सौरव की ग्रेग चैपल की मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ और किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ए पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमिटी, वी डिस्कस एंड जो बेस्ट है कंट्री के लिए, जो टीम अच्छी खेलनी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, उसके लिए डिसीजन लिया जाता है। बाकी किसी के लिए इंडिविजुअल किसी के लिए किसी के बायस नहीं होता है। आपको अगर मैं सवाल पूछूं कि अगर आप यस और नो में जवाब, तो सौरव को ड्रॉप करने का फैसला ए सबका था और दूसरा ऑन मेरिट था? नहीं ऑन मेरिट बेसिकली जो चयन कमिटी हमारे कोई बायस नहीं है एंड एनीबडी कैन कम बैक। जो क्रिकेटर्स काफी क्रिकेटर्स अभी आशीष नेहरा भी बाहर है, बालाजी भी बाहर है, काफी मुरली कार्तिक भी बाहर है, अभी भी लक्ष्मण को भी आप ड्रॉप करते, पुराने लोगों को आप ड्रॉप करते चले जा रहे हैं, जूनियर बच्चों को आप खिलाते चले जा रहे हैं। देखो सर एक हम लोग एक टीम अच्छी बनाने के लिए हमारे लिए वी नीड टू हैव अबाउट 20 क्रिकेटर्स इन द पूल ऑफ इन द टीम, हम किसी को रिप्लेस कर सके क्योंकि काफी मैचेस होती है, अभी इंजरीज काफी होती है, तो रोटेशन पॉलिसी काफी कुछ डिस्कशन हो रहा है। आपने ओडीआई वेस्ट इंडीज के लिए सेलेक्ट कर ली ना? हाँ जी। तो उसमें कोई परिवर्तन होगा? सारा तो उसमें है नहीं अभी। नहीं है जी। और टेस्ट मैच आपने टेस्ट की टीम सेलेक्ट करेंगे अभी? हाँ जी। उसमें भी आपने कह दिया रूल आउट है ऑलमोस्ट? नहीं हमने कुछ बताया नहीं, ऐसे मीडिया से हमने कभी नहीं, हम लोग बताएंगे भी नहीं किसी के बारे में कौन अंदर है कौन बाहर है। पर एक बात बताइए, क्रिकेट खेलने का कोई टाइम होता है, एज लिमिट होती है क्या? ऐसा कुछ नहीं, जो 40 इयर्स तक कोई अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, इफ इज गुड एट फील्डिंग। आपके यहाँ ऐसे लोग हैं 40 साल तक खेल सकते हैं? नहीं है कोई, तो अभी तक तो जो है 32-33 साल है। इंडिया के अंदर जो है एज लिमिट क्या होनी चाहिए? नहीं ऐसा कोई लिमिट नहीं होना चाहिए, समबडी इज गुड इज परफॉर्मिंग ही शुड बी देयर। तो ये जो लोग हैं जो सीनियर लोग जिनको बोलते हैं वीवीएस लक्ष्मण है, सहवाग है, सौरव गंगोली है, इन सबका फ्यूचर है कि नहीं अभी? सर ये सीनियर जूनियर की बात एज के हिसाब से कह रहा हूं, मैं नहीं शामिल नहीं करता इसमें क्योंकि आई डोंट बिलीव इन सीनियर जूनियर। माय एम इज दैट अपनी इंडियन टीम है, सब मिलजुल के खेले और कोई सीनियर जूनियर नहीं, क्योंकि व्हेन यू गो ऑन टू अ टीम व्हेन यू प्ले ऑन द ग्राउंड इनका फ्यूचर कुछ है कि नहीं? फ्यूचर सबका फ्यूचर है, यू हैव टू परफॉर्म टू वी विन मोर मैचेस, नोबडी विल गेट ड्रॉप। पर लगता तो ये किरण बड़ा अजीब है कि तुम छोटे छोटे बच्चों को सेलेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि सीनियर लोगों को हैंडल करना आप लोगों के लिए मुश्किल है, वो अच्छे प्लेयर हैं, थोड़ा उन्हें रिकॉर्ड भी अच्छा है, अब इसलिए बच्चों को ले लेते हैं आप तो मैनेज करना आसान रहता है? नहीं नहीं वो लोग का परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडिया किसी को छोड़ता नहीं है, इट्स एवरीबडी वाज आफ्टर इरफान, बीच में धोनी के पीछे थे, कभी सेवा के पीछे, कभी हरभजन के पीछे, युवराज के पीछे, सो एवरीबडी हैज टू गो थ्रू दैट। सब बीसीसीआई के ऑफिशियल की अपनी पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से किरण मौर्य को वही करना पड़ता है जो बीसीसीआई के ऑफिशियल। सर एक वहाँ पर बात करना चाहता हूँ मैं कि काफी कुछ इतने कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, काफी लोगों ने एलिगेशन किया कि पवार साहब ने फोन किया, कि दालमिया साहब ने फोन किया, किसी ने सिलेक्शन पर प्रेशर डाली, अभी तक मेरे को किसी का फोन नहीं आया एंड नोबडी हैज प्रेशर एनी सिलेक्शन कमेटी एंड लॉट ऑफ काफी कुछ हाइप किया हुआ है कि इससे प्रेशर होता है वैसा प्रेशर होता है। इफ समबडी इज गुड, इसलिए आपको इस पर एक एग्जाम्पल बता दो, इसलिए आपको बताता हूँ ये धोनी रायना जैसे छोटे छोटे जगह से मुना पटेल, आप बोलते हो प्रेशर की बात है सबके गॉड फादर, आई डोंट थिंक सो यू नीड गॉड फादर, इफ यू परफॉर्म इफ यू आर मैच विनर यू कैन प्ले फॉर इंडिया। क्यों खड़ी होती है? क्योंकि आप जब सौरव गंगोली जैसे आदमी को ड्रॉप कर देते हैं जब वो परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है एवरेज के हिसाब से तो लोग तो कहेंगे ना कोई कारण होगा नहीं, आपको तो जो आपकी जो दैट इज योर व्यूज, हमारा जो व्यूज है हमको जो हम जो चाहते हैं हमारा जो टीम का जो सिलेक्शन कमिटी है मुझे डिस्कस करती है व्हाट वी डिड कॉम्बिनेशंस, तो कॉम्बिनेशन में हमने टीम सिलेक्ट कर लोगों ने कहा कि शरद पवार ने फोन किया इनको ले लो, फिर किसी ने कहा इनको ड्रॉप कर दो। सर ये गलत बात है, नहीं तो फिर तो टीम बनेगी, इंडिया जीतेगी भी नहीं, सो इसलिए मुनाफ पटेल जैसे धोनी है, आरपी सिंह है, आरपी नहीं इसलिए पता, आप जो छोटे छोटे गाँव से भी टीम आप बोलते जो टीम बनेगी जो इतना प्रेशर रहेगा किसी का फोन आता होगा तो टीम बनेगी तो पूरी बड़े शहर की बनेगी, छोटे गाँव की तो बनेगी नहीं फिर, इसलिए छोटे छोटे गाँव से जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर सिलेक्शन एंड एवरीबॉडी हैज गॉट अपॉर्चुनिटी टू प्ले फॉर इंडिया। मैं बार बार सवाल जो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप
स्टेटमेंट है चेयरमैन, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी होती है, आपके ऊपर दबाव आता है, ये एक मौका है जो मैं क्लियर कर जाता हूं कि सौरव गांगुली के मामले में या किसी और मामले में कोई आपके ऊपर दबाव था ड्रॉप करने का, ये मेरिट पे फैसला? नहीं, इट्स ऑल मेरिट, देयर इज नो दबाव। किसी ने आपको फोन नहीं किया रखने के लिए? किसी ने कभी फोन नहीं किया, इवन द पास्ट प्रेसिडेंट्स, करंट प्रेसिडेंट, नोबडी, नॉट इवन द सेक्रेटरीज, नोबडी फ्रॉम द बीसीसीआई, एंड बीसीसीआई वे दे आर रनिंग दिस बॉडी इज आउटस्टैंडिंग, यू नो, दे काफी ओपन है और काफी कुछ मीडिया क्रिएट करती है स्टोरीज, यू नो। आज मोहाली में थे, किसी ने न्यूज चैनल पर चला दिया राहुल द्रविड़ कैप्टन बन गए। अभी कोई भी पतंग उड़ाता है तो पतंग उड़ गई तो ठीक है, बंद हो गए कैप्टन उसके बाद, पर पतंग उड़ा देते हैं। मैं उड़ाने वाला पतंग की आप सौरव गांगुली को वापस लेंगे, वही पतंग उड़ा देता है। मैं उड़ा रहा हूँ पतंग आज आपके सामने कि सौरव गांगुली टीम के अंदर वापस आएंगे। सब लोग जवाब सवाल करते हैं कप्तान सिलेक्ट किया, मैंने हमने सिलेक्शन कमेटी नहीं हुई, कप्तान सवाल, मैं पतंग फिर उड़ा रहा हूँ कि सौरव गांगुली को आप फिर से लेंगे। आपका व्यूज है, बट इट्स ओपन फॉर एनीबॉडी, इट्स नॉट ओनली वन इंडिविजुअल प्लेयर, किसी के लिए भी, कोई भी जो पास क्रिकेटर्स है जो अभी ड्रॉप हुए हैं, anybody can make a comeback if they perform outstandingly. selection committee jo hai ki rotation pe honi chahiye, 3 saal ka hona chahiye, usme aapko lagta hai ye theek hai? nahi, kafi acha hai 3 saal ka, it's very good, kyunki har saal selection committee ka bhi jo selection hota tha to usme bhi pareshani thi sabke liye, hamesha it plays used to play on your mind, but acha lagta hai ki 3 saal ke liye jo decision liya hai, lene wale hai to kafi kuch acha hai, kyunki it will help any selectors who will be there for 3 years that he'll know. so main chahta hu usse to और होना चाहिए, 10 साल भी होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में 10-10 साल से सिलेक्टर्स है। 2007 की वर्ल्ड टीम जो बनेगी आपकी वर्ल्ड कप की टीम के, उसके अंदर यंग लोग ज्यादा होंगे या ओल्ड ज्यादा होंगे? सर अभी तो काफी देर है, तो अभी तो अभी से ट्रेनिंग कर रहे हैं ना आप, ट्रेनिंग तो देखो टीम तो बनानी होती है। इट्स नॉट वर्ल्ड कप, इट्स नॉट वर्ल्ड कप, यू हैव टू सी द फ्यूचर ऑफ द इंडियन क्रिकेट आल्सो, बिकॉज़ 2007 तक आप ही सिलेक्टर रहेंगे ना, 3 साल के अंदर आ गए तो आप ही हो जाएंगे या फिर बाहर हो जाएंगे आप? पता नहीं मुझे, वो मुझे मालूम नहीं, बट वी हैव टू मेक गुड टीम, एंड चाहते हैं कि इंडिया के जो इंडिया के इंडियन लोगों में रास्ते पे देखता हूँ, लोगों की आंखों में जो प्यार होता है इंडियन क्रिकेट के लिए, व्हेन यू विन मैचेस दे लव यू सो मच, यू नो, you know, they criticize you also, but it's good, we feel nice, we feel proud of it. 2007 में आप जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। चलो देखते हैं आप क्या करते हैं, तब तक हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आज की मुलाकात, सीधी बात का कार्यक्रम कैसा लगा आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की, इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।